हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने जैसे ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, वैसे ही लगभग एक दर्जन सीटों पर भाजपा के नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिससे भाजपा के उम्मीदवार चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हो पाएं। लेकिन जैसे ही ये लिस्ट जारी हुई, उसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। 10 साल से सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चुनाव और ज्यादा कठिन हो गया है। देश की सबसे अमीर महिला और बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी से बगावत का ऐलान कर दिया है। उनकी टिकट देने का फैसला जो होता है वो पार्टी का होता है, और ऊपर से जिससे जो आज्ञा होती है वो उनको माननी पड़ती है। टिकट की कोई बात नहीं है, मुझे मेरी सार की जनता जैसे कहेगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तो यानी कि आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि किस तरह से और कैसे। लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे आप? ये जो हिसार मेरा परिवार है वो तो यही कह रहा है, चुनाव लड़ना है। उनके अलावा हरियाणा भाजपा के किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करण देव काम्बोज ने भी इस्तीफा दे दिया है। रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा ने भी टिकटों की लिस्ट आते ही पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा राज्य मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आज अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें वे आगे की रणनीति तय करेंगे। फैसला लग गया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया, मेरे ही हल्के की सब मालिक ये है। वर्कर्स का फैसला ही आपका फैसला? वर्कर का फैसला। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत कर रही थी सुबह से? नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद से फैसला मेरा हो गया कि मंत्री पद भी है आपके पास? हाँ है, इस्तीफा दे दिया। अब दोगे? आज सुबह इस्तीफा दे दिया। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करण देव काम्बोज ने कहा कि मैं करण देव काम्बोज, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा, अपने पद से तथा भाजपा के सभी अन्य पदों से अपना त्याग पत्र देता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा नहीं रही। अब पार्टी में नुकसान करने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जाती है। साथियों, वर्षों तक मैंने तथा मेरे पूरे परिवार ने भाजपा की तन मन धन से सेवा की। पिछले 5 साल तक मोर्चे के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में प्रवास तथा इस समय हरियाणा में 150 सामाजिक टोलियां बनाकर काम करने पर लगी हुई हैं। लेकिन अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा को शायद अब वफादारों की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों के सहारे सरकार बनाना चाहती है जिन्होंने हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, जो कभी बन नहीं पाएगी। ऐसे नेता जो कल पार्टी में आए उनको टिकटें दी गईं, और जो बचपन से पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। फिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क रह गया? बाकी का फैसला जो मेरे समर्थक लेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं, आगामी फैसला जो मेरे साथी करेंगे, मैं उसका सम्मान करते हुए अगला कदम उठाऊंगा। सोनीपत से टिकट कटने के बाद बीजेपी की पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति राजीव जैन के समर्थकों ने भी बगावत कर दी। कविता जैन ने सुबह समर्थकों के साथ एक मीटिंग की, इस दौरान उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब देखा गया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से टिकट बदलने की मांग करते हैं और इसे लेकर हम पार्टी को 8 सितंबर तक का अल्टीमेटम देते हैं। कविता जैन का कहना था कि अब आगे क्या करना है इसका फैसला कार्यकर्ता करेंगे। कविता जैन ने ये भी कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त भी टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि योगेश्वर दत्त ने पार्टी से गोहाना विधानसभा के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने योगेश्वर दत्त का टिकट काटकर इस सीट पर पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को उतार दिया। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगेश्वर दत्त भी पार्टी से नाराज हैं? क्या वो भी इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने में लगी है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के सदस्य ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।